नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आइडिया ज्ञान के इस नए एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड से मैं आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी के ऊपर नए नए वीडियोस बना के पेश करूंगा। कोशिश करूंगा कि हर दिन एक नए करेंसी के बारे में आपको बताऊं। तो आज का ये वीडियो है, इस पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ BTCX इंडिया के बारे में और इस वेबसाइट के बारे में बात करेंगे कि क्या वेबसाइट सही है और इस वेबसाइट के थ्रू आप जो करेंसी बाय करते हैं जैसे कि रिपल, क्या वो आपको बाय करने के लिए सही ऑप्शन है। क्योंकि आपको पता है कि बिटकॉइन की जो प्राइस है आज की डेट के हिसाब से, आज की जो डेट है वो मैं आपको दिखला देता हूँ। छः बजकर 26 हो रहा है और आज का दिन है बुधवार, 8 नवंबर 2017। और आज की जो प्राइस है वो बिटकॉइन की, वो सबको पता है, 5 लाख के ऊपर है इंडिया में। अगर आप लोग जेप पे या यूनो कॉइन से परचेज करते हैं तो आपको पता होगा कि जो प्राइस है आज की डेट में वो 5 लाख के ऊपर पहुंच गई है। तो जब ये 5 लाख ऊपर पहुंच चुकी है तो ये बाय करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अभी आप करंट प्राइस जो देख रहे हैं वो 4,98,000 है और अभी जस्ट 10 मिनट पहले इसकी जो प्राइस थी वो 5,05,000 पे थी। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस काफी ज्यादा है। तो चलिए वापस मेन टॉपिक पे आते हैं कि क्या BT6 इंडिया से आप रिपल खरीदना सही है या नहीं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिपल जो क्रिप्टो करेंसी है वो है क्या। तो सबसे पहले हम रिपल की वेबसाइट पे चलते हैं। ये है रिपल की ऑफिशियल वेबसाइट ripple.com। और मैं आपको इस करेंसी के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये जो करेंसी है ये किस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती है, किस ब्लॉकचेन के ऊपर ये बनी हुई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो करेंसी है ये बेसिकली आपका ग्लोबल पेमेंट का ब्लॉकचेन सॉल्यूशन है। ठीक है, कहने का मतलब ये, अगर आप अभी इंडिया में बैठे हुए हैं, अगर आपको यूएसए, कनाडा, इंडोनेशिया, थाईलैंड या कहीं पे भी पैसे ट्रांसफर करने हैं तो आप क्या करते हैं? एक लंबा सा प्रोसीजर, एक आम आदमी, मतलब अभी मैंने आपसे कहा कि, या फिर अभी मुझे किसी को पैसे भेजने हैं इस टाइम पे, या तो मैं वेस्टर्न यूनियन जाऊंगा, या अगर मेरा अकाउंट उस बंदे के अकाउंट से ऐड है, जो कि ऐड करने के लिए भी इंटरनेशनल अकाउंट को एक लंबा प्रोसीजर होता है, बहुत दौड़ना भागना पड़ता है, उसके बाद आप कहीं जाकर ट्रांसफर कर पाते हैं। लेकिन अगर मुझे अभी भेजना है तो कैसे होगा? इसी पे ये आपका जो करेंसी है रिपल, इसी के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि रिपल कनेक्ट्स बैंक पेमेंट प्रोवाइडर्स, डिजिटल एसेट एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेट वायर रिपल नेट टू प्रोवाइड वन फ्रिक्शनलेस एक्सपीरियंस टू सेंड मनी ग्लोबली। जी हाँ, और ये बहुत ही एडवांस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत ज़्यादा सिक्योर है और बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। और आने वाले टाइम में रिपल बहुत ज़्यादा उपयोग में आने वाला है नॉर्मल पब्लिक के और पब्लिक लाइफ में। ठीक है, तो ये था कि रिपल काम कैसे करता है, किस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। अब बात करते हैं कि क्या हमें रिपल खरीदना चाहिए और क्या होगा अगर इसका भी बिटकॉइन की तरह हाल हो जाए, जैसे चाइना में बैन हो गया, अगर इंडिया में भी बैन हो जाए तो कैसे काम होगा। मतलब अथॉरिटी क्या है, श्योरिटी क्या है कि ये जो कॉइन है मतलब हमें धोखा नहीं देगा। तो मैं बिल्कुल आपके इन सवालों का जवाब दूंगा इस वीडियो में। हो सकता है कि मेरी वीडियो थोड़ी लंबी बन जाए, लेकिन आप इसे एंड तक देखिएगा ताकि आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाए। तो अब रही बात इसकी श्योरिटी की, तो जैसे कि आपको मैं दिखा दूं कि दुनिया भर के बैंक्स ने रिपल के साथ टाई अप किया हुआ है और इंडिया की तरफ से एक्सिस बैंक, जो कि काफी बड़ा बैंक है, प्राइवेट बैंक है इंडिया का, ये इनके साथ काम कर रहा है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड काम कर रहा है, बेसिकली
बेसिकली इंडिया का बैंक नहीं है लेकिन सभी जानते हैं इसे। उसके अलावा और भी बहुत सारे बैंक्स हैं यहाँ पे। ये जो है SBI रेमिट, ये एक जैपनीज फॉर्म है, बहुत बड़ी फॉर्म है, इसके बारे में आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। तो इतने बड़े बड़े बैंक्स और ऑर्गेनाइजेशन ने इस पे ट्रस्ट किया हुआ है, तो उम्मीद है कि यहाँ पे आपको श्योरिटी और अथॉरिटी मिल जाती है। एक और बैंक है इसके अंदर, उसका नाम है यस बैंक, यहीं पे मैं आपको दिखला देता हूँ ताकि आप बेफिक्र होके परचेज कर सकें। देखिए यस बैंक, यस बैंक ने भी इनके साथ टाइप किया हुआ है। और एक बैंक है SCB, ये एक थाईलैंड का बहुत बड़ा बैंक है। जो लोग थाईलैंड जाते होंगे उन्हें पता होगा इस बैंक के बारे में कि इसके ATMs आपको हर जगह देखने को मिल जाते हैं। तो ये श्योरिटी है कि रिपल जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे रहने के लिए आया हुआ है, ये यहाँ से जाने वाला नहीं है। ठीक है, अब वापस आते हैं हम लोग BTCX इंडिया पे कि हम यहाँ से रिपल खरीदेंगे तो क्या होगा। तो मैं आपको बता दूँ कि BTCX इंडिया एक ऑफिशियल वेंडर है रिपल खरीदने के लिए इंडिया में। यह है रिपल की वेबसाइट, आप देख सकते हैं ripple.com, और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। मैं थोड़ा आपको पीछे ले आता हूँ, XRP पे जाइए, XRP पे जाइए, बाय XRP की XRP जो है वो इसका शॉर्ट नेम है, जैसे कि बिटकॉइन का BTC वैसे इसका है XRP। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने लिस्टेड किया हुआ है कि हाउ टू बाय XRP ऑन BTCX इंडिया, मतलब इंडिया में ऑफिशियली अगर आपको किसी को रिपल खरीदना है तो वो सिर्फ BTCX इंडिया के थ्रू ही खरीद सकते हैं, इनका ऑफिशियल वेंडर है। और इसके अलावा अगर आपको USD में, यूरो में और BTC में ट्रेड करना है, आप यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। और ये बहुत सारे एक्सचेंज है, और इंडिया में फिलहाल BTCX के अलावा इस टाइम पे Coinex भी सेल कर रहा है, लेकिन जो ऑफिशियल वेंडर है वो है BTCX इंडिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि BTCX इंडिया है ये कोई फ्रॉड कंपनी नहीं है, बहुत ही जेन्युइन कंपनी है। आप यहाँ पे डेफिनेटली जो भी आप बाय करेंगे सब अथॉरिटी के साथ होगा, लीगल होगा। और इस समय जिसकी प्राइसिंग है 14 रुपीज़ है, जो कि 17 रुपीज़ से कम हो गई है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के में दम है और मुझे लगता है कि ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी। लेकिन अभी टाइम लेगा क्योंकि बिटकॉइन अभी बढ़ते जा रहा है, और जब वो स्टेबल हो जाएगा तो उसके बाद की जितने भी ऑल्टरनेटिव कॉइन्स हैं ऊपर जाएंगे, जैसे कि इथेरियम और लिटकॉइन और रिपल्स। ठीक है, तो आप यहाँ से डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि BTCX इंडिया पे आपको बाय करने से पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। तो मैं आपको थोड़ा जल्दी बता देता हूँ कि इस पर अकाउंट क्रिएट कैसे करना है आपको। तो पहले आपको इस पर क्लिक करना है, पहले वेबसाइट पर चले जाइए btcxindia.com, और उसके बाद क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कीजिए। क्लिक अभी जैसा आप देखते हैं मेरा अकाउंट ऑलरेडी ओपन है, इसमें से फटाफट लॉग आउट कर देता हूँ। होम पे आते हैं, हाँ, तो यहाँ पे वो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू सडन सर्च न्यू KYC विल टेक अ मिनिमम ऑफ 2 वीक्स टू गेट वेरीफाइड। और यकीन मानिए इन्होंने जो 2 हफ्ता लिखा हुआ है ये एक्चुअली में 4 to 5 वीक्स हो जाते हैं, क्योंकि जब मैंने अप्लाई किया था मैंने इसे सितंबर में अप्लाई किया था और मेगा वेरीफाई अक्टूबर में हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपने नाम लिख लीजिएगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सिटी, और आपने इनके बारे में कैसे सुना, तो आपके पास ऑप्शंस हैं फेसबुक, ट्विटर, गूगल एड्स, रेफरल, लिंक्डइन, अदर्स। ठीक है, वो चूज़ कर सकते हैं आप। उसके बाद अगर आपने अदर चूज़ किया है तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं जैसे कि यूट्यूब और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर डाल सकते हैं। उसके बाद आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। जब रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तब आपकी आपके ईमेल आईडी पे ईमेल जाएगा कुछ इस तरह का, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह का एक मेल जाएगा, यू मेल हैज बीन वेरीफाइड, और आपको एक क्लाइंट आईडी दी जाएगी इस तरह की। ठीक है,
इसके बिना आप लॉग इन नहीं कर सकते, इस बात का आप ध्यान रखें। तो इस ईमेल को आप अच्छे से मार्क करके सेव करके रखें, ठीक है, इसे डिलीट मत करें क्योंकि इसके बिना आप लॉग इन नहीं कर सकते हैं। जब ये सब हो जाएगा तो आप वापस BT6 इंडिया पे आइए और लॉग इन पे क्लिक कीजिए। वेरीफाई होने के बाद आपके अकाउंट को, मैंने जैसे बताया, 2 से 5 हफ्ते लगते हैं वेरीफाई होने में, ठीक है। तो उसके बाद मुझे वापस हम जल्दी से डिटेल्स डाल देता हूँ। जैसे आपने कहा आप क्लाइंट आईडी पूछ रहा है, तो मैं अपना क्लाइंट आईडी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ पर डाल दिया मैंने। अब मुझे एक्सेस कोड चाहिए, तो यहाँ पे जनरेट पर क्लिक करना है। अब मुझे एक मैसेज आएगा मेरे मोबाइल पे और उसके बाद मुझे इसे यहाँ पे एंटर करना है। मैसेज आ गया है और शेड्यूल लॉगिन सिक्योर लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका है। लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का डैशबोर्ड मिलता है। तो जैसे भी आप देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ आ रहा है, डियर कस्टमर, ड्यू टू सडन सर्ज इन INR डिपॉजिट, द प्रोसेस ऑफ INR डिपॉजिट इज गेटिंग डिलेड। वी एम टू प्रोसेस द डिपॉजिट ऑन T+1 डे बेसिस। इनकन्वीनियंस इज ड्यूली रिग्रेटेड, कि अभी INR डिपॉजिट में डिले हो रहा है और इसकी वजह से इन्हें 1 से ज़्यादा दिन लग सकते हैं, तो असुविधा के लिए खेद है। मतलब कि अगर आप, हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे है लाइफ चार्ट, वॉलेट, ट्रेड एंड ट्रांजेक्शन। तो होम पे तो आपने देख लिया कि होम तो बिल्कुल नॉर्मल सा है, उस पर BT6 के बारे में बताया गया है और ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो मॉर्निंग 8 से इवनिंग 8 तक रहता है, आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। इनके 2 नंबर दिए गए हैं, इनकी ईमेल आईडी दी गई है और मंडे टू सैटरडे ये वर्क करता है। उसके बाद आज की जो प्राइस है वो 14 रुपीज़ पर रिपल है। उसके बाद दूसरा है वो है आपका लाइफ चार्ट। लाइफ चार्ट में आपको देखने को मिलता है कि रिपल कैसे ग्रो कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 16 अक्टूबर को इसकी कीमत 17 रुपीज़ 50 पैसा थी, और थोड़ा पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे दस अक्टूबर को 17 रुपीज़ 91 पैसा थी, और फिलहाल आज की डेट में ये 13 रुपीज़ 99 14 रुपीज़ है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लाइफ चार्ट देख सकते हैं इसका। उसके बाद आता है आपका वॉलेट। वॉलेट में ये आपका अकाउंट ओवरव्यू दिया गया है, क्लाइंट आईडी, आपका नाम, फोन नंबर, बैंक डिटेल्स, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन है, आप बिटकॉइन के थ्रू आप बाय कर सकते हैं, रिपल के थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, या फिर इंडियन रुपीस की साथ भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं वॉलेट में। दूसरा ऑप्शन है आपका विड्रॉल। विड्रॉल में जाने का आपको यहाँ पे टाइप चूज करना है कि आप क्या विड्रॉल करना चाहते हैं, BTC, INR या XRP, मतलब कि रिपल। और यहाँ पे INR टू ETH इंडिया, अगर आप इथेरियम करना चाहते हैं तो आप इथेरियम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं INR से। तो आप XRP चूज कर लेंगे और उसके बाद, तो अभी दिखा रहा है सॉरी डोंट हैव सफिशिएंट बैलेंस इन योर वॉलेट, वो इसलिए क्योंकि मैंने अभी तो कुछ खरीदा नहीं है, क्योंकि जो वेबसाइट है आप देख सकते हैं यहाँ पे बीटा लिखा हुआ आ रहा है, ये भी बेटा स्टेज में है, मतलब अभी भी इस पर काम हो रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बेटा स्टेज पे आप इसे बाय नहीं कर सकते, बहुत से लोग बाय कर रहे हैं, मैं इसे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं किसी और करेंसी पे अभी ऑलरेडी मैंने लगाया हुआ है, और मुझे लगता है कि इसकी जो प्राइस है 14 रुपीज़ थोड़ा अभी और डाउन जाएगा, तब एक अच्छा अनुमान होता है जब ये 10 रुपये के करीब पहुँच जाए, 10 से 12 के बीच में, तब आप इसे बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिया, वो मेरा पर्सनल चॉइस है, बाकी अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते तो आप बेशक कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है डिपॉजिट का। डिपॉजिट में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि यूपीआई मेथड से आप INR डिपॉजिट ना करें। जब भी आपको पैसा डिपॉजिट करना हो तो आप NEFT और IMPS का इस्तेमाल करें, ठीक है। और जो मिनिमम अमाउंट होगा वो आपका 10,000 का होगा।
और जो स्मॉलर अमाउंट है, जैसे कि अगर आप 5,000, 2,000 करना चाहते हो तो डिपॉजिट हो जाएगा, लेकिन आप बाय तभी कर पाएंगे जब आपका वो जो डिपॉजिट 10,000 हो जाएगा। उसके बाद आपको ये देखना है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि उन्होंने अपने बैंक की डिटेल्स दिए हुए हैं और इसी अकाउंट में मैं आपको डिपॉजिट करना है। अकाउंट का नाम है एस कैपिटल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ये सब आपको बहुत ही केयरफुली देखना पड़ेगा। अकाउंट नंबर है, करंट अकाउंट में आपको डालना है, आंध्रा बैंक है, बैंक ब्रांच और आईएफएससी कोड है, ठीक है। तो इसका बड़ा ध्यान रखिएगा जब आप पैसे डिपॉजिट करेंगे। डिपॉजिट करने के बाद क्या होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसके बाद है यहाँ पे XRP डिपॉजिट, कि जब आपको कहीं से XRP मतलब रिपल आपको मंगाना है, तो ये जो आप पीछे देख रहे हैं RHA, ये मेरा वॉलेट एड्रेस है, ऐसे आपको भी दिया रहेगा, ठीक है। और इस एड्रेस पे रिपल मंगाने से पहले नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है। आप लिखा हुआ है कि मिनिमम 20 XRP होने चाहिए आपके रिपल नेटवर्क पे, क्योंकि ये जो नेटवर्क है इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो 20 XRP तो होना ही चाहिए, अगर आपको अपना जो एड्रेस है उसे एक्टिव रखना है। तो मतलब पहले अगर आपको किसी और जगह से, किसी और के एड्रेस से आपको XRP मंगवाना है, उससे पहले आप यहाँ पे 20 रिपल या 20 XRP खरीद के रख ले, उसके बाद ही किसी और से मंगवाएं। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप 20 नहीं रखते हैं तो जो भी आपको डिपॉजिट भेज रहा है वो इस पे भेज नहीं पाएगा। इसलिए आपको 20 मिनिमम रखना ही है अपने वॉलेट को एक्टिव रखने के लिए। लेकिन एक बार आप 20 रख लेते हैं, उसके बाद आप कितने भी XRP अपने एड्रेस से मंगवाएं उसके लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो 20 है वो आपको स्टार्टिंग में रखना ही रखना है, उसके बाद आप कितने भी अमाउंट को मंगवा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि ये डिटेल जमा होने के मतलब यहाँ पे जब 10,000 रुपीज डिपॉजिट कर देंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है डिपॉजिट सबमिशन। जी हाँ, ये क्या होता है मैं आपको भी बता देता हूँ कि जब आप अमाउंट जमा कर देंगे तो आपको यहाँ पर टाइप करना है, जैसे कि 10,000 आपने जमा किया और आपने इनके आंध्रा बैंक अकाउंट जमा किया, तो यहाँ पे आप आंध्रा बैंक लिख दीजिए, ठीक है, क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपने क्या चूज़ किया था, IMPS, NEFT, RTGS। अगर आपने IMPS चूज़ किया तो IMPS पे क्लिक कीजिए, और उसके बाद आपके ट्रांसफर जो रेफरेंस नंबर होगा वो आपको यहाँ पे भरना है और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद विदिन 24 आवर्स और मैक्सिमम 48 आवर्स, जैसे ही अमाउंट उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, उसके बाद वो वेरीफाई करके आपके इस ट्रांजेक्शन टाइप को यहाँ स्टेटस पे दिखा देंगे। जमा सबमिट करने वाले पेंडिंग में चला जाएगा, और उसके बाद जैसे कंफर्म हो जाएगा तो यहाँ स्टेटस आपका कंफर्म हो जाएगा। और यहाँ कंफर्म होते ही फिर आप ट्रेडिंग पे जाएंगे और यहाँ से आप उस अमाउंट का XRP खरीद सकते हैं। जैसे कि अगर आपके अकाउंट में अभी 10,000 हो जाएगा, तो आप अभी आज की डेट में 14 रुपीज़ पर XRP, तो आप लिखेंगे 14, ठीक है, आपको कितना खरीदना है। तो आपके पास है सिर्फ 10,000 रुपीज़ अभी, तो 10,000 रुपीज़ है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आपको खरीदना है ऑलमोस्ट 800, कर लेते हैं, अभी ये दिखा रहा है, इसे प्रोसेसिंग ऑर्डर दिखा रहा है ये। ये नहीं होगा क्योंकि अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 11,000 हो जाएगा, तो आप इसके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 700 आप कर लीजिए। और जैसे ही इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 700 से 14 को आज की डेट पे, तभी आपका हो जाएगा 9,800, तो आप बाय कर सकते हैं। अभी आपने देखा, यहाँ पर लिखा हुआ है सॉरी डोंट हैव सफिशिएंट फंड इन योर अकाउंट, तो
आपको ऐसे कैलकुलेट करना है और यहाँ बाय करेंगे, और जैसे आप बाय करेंगे यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स आ जाएगा, और जैसे ही आपका ये कंफर्म हो जाएगा ये पेमेंट यहाँ पे, उसके बाद ये जो अमाउंट है वो आपके वॉलेट में चला जाएगा और वहाँ पर जाके सेव हो जाएगा। और उसके बाद आप ट्रांजेक्शन में जाके आप अपने ऑर्डर को देख सकते हैं कि आपने कितना मिला, आपको कितना वॉल्यूम था, क्या प्राइस था, ऑर्डर टाइप क्या था। और उसके बाद अगर आपको विड्रॉ करना है आप उसी तरह यहां से विड्रॉ भी कर सकते हैं। और अगर आपको अपने XRP को बेचना है तो अगेन आप ट्रेड में आएंगे, सेल रिपल पे जाएंगे, जो सेलिंग प्राइस है वो रखना है, कितने वॉल्यूम आप बेचना चाहते हैं वो आप यहाँ पे बेच देंगे। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारे बायर्स हैं यहाँ पे, कोई 13.95 में बेचना चाहता है, कोई 13.91 में बेचना चाहता है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस ही कुछ 14 रुपये में बेचना चाहता है, कोई 14.19 रुपये में बेचना चाहता है। तो इस तरह आपको एक प्राइस फिक्स करना रहेगा और जो जिसको भी प्राइस मैच करेगी वो वहाँ से आपका खरीद सकता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे कि आप ज़ेप्पे पे जाते हैं और आपने एक अमाउंट लिखा और आपको उतना मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। और एग्जैक्टली कुछ इसी तरह का आपका कोइनिक्स भी काम करता है, वो भी एक एक्सचेंज वेबसाइट है जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं और उनके वॉलेट में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो BT6 इंडिया है वो रिपल नेटवर्क का ऑफिशियल वेंडर है इंडिया में, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप यहीं से लें। ठीक है, तो इस तरह आप BT6 इंडिया की थ्रू रिपल बाय कर सकते हैं इंडिया में। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि इनका जो वेरीफाई का जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, ये लोग लिखते 2 हफ्ते हैं लेकिन लग जाते हैं 4 से 5 हफ्ते। अगर आप उनको मेल भी करते हैं 2 हफ्तों में, तो आप उनके इस मेल एड्रेस पे आप मेल करके सपोर्ट पे पूछ सकते हैं आपके स्टेटस, वो आपको बता देंगे। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि कम से कम 5 हफ्ते तो लगेंगे ही लगेंगे अप्रूव होने में, उसके बाद आप इजीली यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे, और अगर फिर भी कुछ रह गया है तो आप कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं, और नहीं तो आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल का, फेसबुक हैंडल का, सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और बहुत जल्द मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम पे ग्रुप बनाऊंगा जिसमें आप मुझसे 24 आवर्स सवाल जवाब कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतने दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्टेड है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए वीडियो और एक नए कॉइन ज्ञान के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।